थैंक यू सो मच उमर, आपने जो है वो आप आए, स्पेशली जो है शादे कमाल भाई जो है अभी ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरा जो है वो इंट्रोडक्शन ये है कि मैं पिछले तकरीबन 4 साल से जो है वो अमेजोन किंडल की सर्विसेज दे रहा हूँ, फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, freelancer.com के ऊपर, और इसके अलावा जो है वो मैं फाइवर के ऊपर लेवल 2 सेलर हूँ और तकरीबन 1500 प्लस जो है वो ऑर्डर्स कर चुका हूँ डिफरेंट स्किल्स रिलेटेड टू जो किंडल से रिलेटेड जो स्किल्स हैं, जिस जो कि हमारे सेशन का आज का टॉपिक भी है कि हम लोगों ने डिफरेंट किंडल्स की स्किल्स के ऊपर जो है वो बातचीत करनी है। सो उसके ऊपर जो है वो मैं डिटेल के अंदर जो है वो बातचीत करूँगा। इसके अलावा जो है ये मेरा यूट्यूब चैनल है इसान अली नग्याल, इसके ऊपर भी मेरे कुछ जो है वो वीडियोज़ भी बनाई हैं अमेजोन किंडल से रिलेटेड, तो आप लोग चाहें तो आप लोग उसको भी जो है वो जाके देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं तो इसान अली नग्याल मेरा फेसबुक हैंडलर है, तो फिर डिटेल में बातचीत करते हैं। जी जवेरिया, आप हमारे साथ हैं? जी जी मैं बिल्कुल साथ हूँ, मैं भी अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे के भी एन एनवायरमेंटलिस्ट और फॉर सम टाइम आई हैव बीन वर्किंग एज अ फ्रीलांस राइटर, तो इसके हवाले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस है मेरा किंडल के हवाले से, ऑब्वियसली मैं भी लर्न करने की ज़्यादा आई हूँ, सो होपफुली एहसान साहब से आज जो है लर्निंग हम लोग काफ़ी करेंगे चीज़ों के हवाले से। ठीक है, अब इस सेशन में हम अमेजोन किंडल के ऊपर बातचीत करेंगे और अमेजोन किंडल स्पेसिफिकली अमेजोन किंडल की कौन कौन सी सर्विसेज हम फाइवर पे या फिर हम अपवर्क पे दे सकते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो एहसान मुझे ये बताएंगे सबसे पहले, अगर अमेजोन किंडल को स्पेसिफिकली एज ए फ्रीलांसर देखा जाए तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हम क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं अपवर्क पे या फिर fiverr.com पे? अच्छा क्वेश्चन है उमर, बेसिकली बात ये है कि हम लोग ना बहुत ज़्यादा जो हम लोग हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रुझान है लोगो डिज़ाइन की तरफ, या फिर उनका बहुत ज़्यादा रुझान है फेसबुक बैनर डिज़ाइन की तरफ, या फिर जो बड़ी स्किल्स हैं स्पेशली वर्डप्रेस या इस तरह की सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, वही सर्विसेज जो कि लोग एज ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर एज लोगो डिज़ाइनर दे रहे होते हैं या इस तरह की सर्विसेज दे रहे होते हैं वो लोग सब कुछ जो है वो अमेजोन किंडल के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंपटीशन कम है। जब कंपटीशन कम है तो ऑर्डर आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, मैं आपको जो आपको भी पता है कि एज फ्रीलांसर जो मैटर करती है वो ये चीज़ मैटर करती है कि आपके पास जो है वो ऑर्डर्स आए और प्लस उस एरिया के अंदर जो कंपटीशन है वो कम से कम हो। सो जो लोग सर्विसेज दे सकते हैं स्पेशली अमेजोन किंडल से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग जो है वो बुक की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे जो है वो बुक फॉर्मेटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, इसके अलावा आप ऑडियो बुक एडिटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, आप लोग जो है वो कवर डिज़ाइन की सर्विस दे सकते हैं, आप लोग जो है वो बुक डिज़ाइन की सर्विसेज दे सकते हैं, बुक SEO की सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसा है ना कि अब ब्लॉग की SEO वगैरह बहुत हाई कंपटीशन में है। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक SEO में देखेंगे तो आपको काफ़ी कम कंपटीशन मिलेगा। इसी तरह से जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग की अदर्स में जो है वो प्रोडक्ट मार्केटिंग, उस पर बहुत हाई कंपटीशन आपको मिल जाता है, लेकिन अगर आप बुक मार्केटिंग के अंदर सर्विस देंगे तो आपको काफ़ी कम कंपटीशन मिलेगा। सो मुझे ये लगता है ये है कि जो अमेजोन किंडल की जो सर्विसेज हैं, अगर जो सेशन में लोग हुए हैं वो अगर इस एरिया में सर्विसेज देंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि उनके पास जो है वो ऑर्डर्स आएँ। ठीक है, अब आपने उस पर बात की कि ऑडियो बुक की सर्विसेज दे सकते हैं, तो ऑडियो बुक लेट सपोज अगर कोई फ्रीलांसर है या फिर कोई सर्विसेज दे रहा है ऑडियो रिलेटेड, तो फिर वो ये अवेल कर सकता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी, या फिर अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है या फिर ग्राफिक डिजाइनर नहीं भी, आजकल एक थोड़ी सी मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है विदाउट एनी स्किल, तो अगर तो बुक सेलिंग यानी कि कवर सेलिंग की उसकी कवर डिजाइनिंग की सर्विसेज भी दे सकता है यहाँ पे। यस बिल्कुल, जो है वो लेकिन उसमें कॉपीराइट नहीं आएगा। मैं आपको ना डिफरेंट चीजें बताता हूँ, पहले मैं ऑडियो बुक के ऊपर बातचीत करता हूँ। ठीक है, अच्छा देखो यार उमर, जब हम लोग ऑडियो बुक ऑडियो एडिटिंग की बात करते हैं ना इन जनरल स्किल की, ठीक है, तो ऑडियो एडिटिंग जो मैं चीज़ इस सेशन के अंदर जो मेन चीज़ डिलीवर भी करना चाह रहा हूँ ये है कि आप लोगों के अंदर एक सोच पैदा हो, वो सोच क्या है कि हम लोग जब भी लोगो डिज़ाइन या उस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा हट के क्या हम लोग ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑडियो एडिटिंग है ना, तो ऑडियो एडिटिंग के अंदर जो है वो 3000 का कंपटीशन है, लेकिन अगर लोग ऑडियो एडिटिंग और ACX लगा देंगे, ये अमेजोन का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो ऑडियो बुक्स हैं वो पब्लिश होते हैं,
तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक तो कंपटीशन कम मिलेगा, ठीक है, फिर उसके बाद बात यह है कि यहाँ पे जो ऑडियो बुक है वो आपको एक पूरी ऑडियो बुक मिल जाएगी कि फॉर एग्जांपल एक बुक के 20 चैप्टर हैं तो आप अच्छा खासा चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, तो वो 20 चैप्टर या 15 चैप्टर्स के ऊपर चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको थोड़ी सी ACX की गाइडलाइंस देखनी पड़ेगी कि जो ऑडियो है उसकी पिच कितनी होनी चाहिए और बाकी सारा क्राइटेरिया उसका देखना पड़ेगा। सो बेसिकली जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये कि आप ऑडियो एडिटिंग से थोड़ा सा हट के कीवर्ड्स यूज़ करें ऑडियो एडिटिंग फॉर ACX, ठीक है। इसी तरह से लोग जो है वो लोगो डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का हमारा ट्रेंड है या फेसबुक बैनर डिज़ाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो उससे हटके जो है वो आप लोग जो है वो बुक कवर की सर्विसेज दे सकते हैं जो कि थोड़ी सी डिफरेंट सर्विसेज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बुक कवर के ऊपर भी देखोगे तो कंपटीशन आपको तकरीबन 12,000 का मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बुक कवर के अंदर फिर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ प्लेटफॉर्म लिस्ट किए हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर भी, ये आप बुक कवर अमेज़ॉन के लिए भी कर सकते हैं, आप लोग जो है वो इनग्राम स्पार्क के लिए भी कर सकते हैं, लुलू एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी कर सकते हैं, एप्पल एक प्लेटफॉर्म है उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर बुक कवर के साथ अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम यूज़ करेंगे ना तो आपको देखेंगे कंपटीशन कम मिलेगा, और जब कोई भी पर्सन आएगा तो वो कि आपको जो है वो ऑर्डर गेट होने का। सो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे 12,000 का कंपटीशन था तो यहाँ पे 1900 का कंपटीशन रह गया जस्ट, ठीक है। सो इसी यहाँ पे सारे लेवल 2 ही हैं, मुझे तो यही नजर कॉर्पोरेट और लेवल 2। क्या क्वेश्चन है आपका? अगर हम यहाँ पे सारे लेवल 2 ही हैं क्यों सेकंड रो में जाए टॉप रेटेड और लेवल 2 ही? ये देखे ना, ज्यादातर लेवल 2 सेलर्स हैं। ऑलराइट, मोस्टली लेवल 2 सेलर्स हैं। उमर बेसिकली बात क्या होती है, बात ये होती है कि फॉर एग्जांपल एक मैंने इनकम स्पार्क का कीवर्ड लिखा है ना, लेकिन यहाँ पे अगर इस बंदे की गिग पे देखेंगे ना तो इसकी गिग के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, उसमें बुक कवर का भी है, बुक कवर फॉर्मेट का कीवर्ड भी है, अच्छा बुक कवर फॉर KDP का कीवर्ड भी है, बुक कवर फॉर इनकम स्पार्क का भी वर्ड है। सो ऐसा नहीं होता कि आप कोई भी जो है वो जब भी बेसिकली लो कंपटीशन कीवर्ड्स का फायदा कि आप क्योंकि अगर ऑथर को कुछ चाहिए होगा ना तो वो डायरेक्टली लिखेगा बुक कवर इनकम स्पार्क, ठीक है। क्योंकि हमारे जो लोग हैं बेसिकली जो मैं सेशन में चीज़ डिलीवर करना चाह रहा हूँ ये है कि हम ना सिर्फ मेन कीवर्ड्स को बस बहुत सारा फोकस करते हैं बुक कवर को, लेकिन बुक कवर के आगे जो चीज़ है स्पेशली वो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए अगर हम लोग उसकी उसका साइज सीख लें, उसकी जो डायमेंशन है वो सीख लें, तो हमें ज़्यादा चांस है कि हम लोग वो ऑर्डर गेट कर सकें। सो इससे जो है वो हम लोग अपने आप को थोड़ा सा यूनिकली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और प्लस हम लोग ये कर क्योंकि फाइबर के ऊपर अगर मैं बात करूं तो आप 7 गिग्स लगा सकते हैं, ठीक है, तो आप हर गिग अगर डिफरेंट प्लेटफॉर्म के लिए होगी तो मोर चांसेस होंगे ऑर्डर गेट करने के लिए, ठीक है। नहीं वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब वॉइस ओवर वाले जो हैं वो वेट कर रहे थे कि हमें वॉइस ओवर के कोई मिले, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा कि Amazon Kindle की भी आप वॉइस ओवर सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि आप वॉइस ओवर वालों के लिए कोई और तो यानी क्या है नहीं, वो यही सर्विसेज दे सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं उसकी तरफ बुक कवर डिजाइन की। अगर हम कैनवा के ऊपर बुक कवर डिजाइन की सर्विस, लेट सपोज मैं बुक कवर डिजाइन की सर्विसेज दे रहा हूँ और मैं कैनवा के ऊपर डिजाइन करता हूँ या वहां से कुछ कॉपी करता हूँ, तो उसके ऊपर कोई कॉपीराइट का कोई है उस पर पॉलिसी वगैरह Amazon Kindle में? अभी तक तो मुझे पर्सनली बात बताऊँ तो मैंने बहुत ज़्यादा इसका कैनवा से ही कवर जो है वो कुछ यूज़ किया है, लेकिन नॉर्मली आप एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ चेंज कर देते हो क्योंकि दैट्स बात है जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ही चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल कुक बुक की है तो कुक बुक के अंदर उसका टाइटल ये वो सब कुछ चेंज हो जाएगा, सिवाय मे बी आप एक आध पिक्चर यूज़ करें। सर ऐसा होता है कि आप कैनवा में भी कैनवा प्रो के अंदर आप वो पिक्चर ले रहे होते हैं, तो ऐसा तो कभी स्पेशली डिज़ाइन के अंदर और इमेज के अंदर मुझे कभी कैनवा से नज़र नहीं आया ये इशू, ठीक है। आप ग्राफिक डिजाइनिंग वाली सर्विसेज जो दे सकते हैं वो क्या है, बुक कवर डिजाइन भी दे सकते हैं, वॉइस ओवर वाले दे सकते हैं, ACX के लिए ऑडियो बुक्स की। नेक्स्ट होता है, इसमें ना बहुत सारी और सर्विसेज भी दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप पे बहुत हाई कंपटीशन है तो हमारे लोगों को इन डिज़ाइन पे सर्विसेज के ऊपर जाना चाहिए कि वो इन डिज़ाइन की तरफ चला जाएं, बजाय कि वो एक टूल के ऊपर रुके रहे जहाँ पे हाई कंपटीशन है, उससे डिफरेंट बहुत सारी बुक्स होती हैं जैसे जर्नल हैं, ठीक है, नोटबुक्स हैं, इस तरह की आप सर्विसेज कैनवा के अंदर बना के आप दे सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपली जो है वो आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा और आप जो है वो नोटबुक टाइप या इस तरह की कुछ चीज़ बना के आप क्लाइंट्स को जो है वो दे सकते हैं। सो इस तरह की चीज़ आप लोग कैनवा के अंदर बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि ये डिफरेंट काइंड के जो जर्नल्स वगैरह होते हैं, डिफरेंट नोटबुक्स होती हैं, इस तरह की चीज़, और स्पेशली ये आप
एकेडेमिया से रिलेटेड भी बना सकते हैं, कोई मैथ की बुक है बच्चों के लिए, या फिर आप इस तरह की कोई और बुक है इंग्लिश की, या कुछ भी ABC की हैंड राइटिंग की बुक है, तो इस तरह की आप काफ़ी डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर सर्च करके जो है ना आप बना सकते हैं। नहीं लेकिन तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना जी, क्या वो सर्विसेज में तो नहीं आएगा, वो सर्विसेज में तो नहीं आएगा। नहीं ये सर्विसेज के अंदर ही आता है कि आप जो है वो नोटबुक बना के क्लाइंट को एज सर्विस के तौर पर, यहाँ पे देखें ना अब ये लोग एज सर्विस के तौर पर जर्नल बना के दे रहे हैं, प्लानर बना के दे रहे हैं, ठीक है। सो ये लोग एज सर्विस के तौर पर ही ये चीज़ें देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कोई प्लानर चाहिए, ठीक है, वेडिंग प्लानर चाहिए, तो वो फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट यहाँ पे ऑर्डर करेगा और वो उसके बाद जो है वो अमेजोन के ऊपर वो डाल देगा अपनी बुक के लिए। कोई डाइट प्लानर चाहिए, कुछ भी चाहिए, ठीक है। सो आप ठीक है, सर्विसेज दे सकते हैं, क्या सर्विसेज दे सकते हैं? अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो प्रॉपर बुक डिज़ाइन की सर्विस दे सकते हैं, जिसके अंदर कि आप इन डिज़ाइन यूजिंग इन डिज़ाइन जो है वो आप बुक डिज़ाइन की सर्विस दे सकते हैं, बुक फॉर्मेटिंग की सर्विस दे सकते हैं। सो फॉर्मेटिंग के लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन है कि यानी कि ये फॉलो होना चाहिए, मार्जिन इतने सेंटीमीटर पे होनी चाहिए, या फिर बुक कवर डिजाइन में ये होना चाहिए, या फिर अगर हम देखेंगे कवर डिजाइन में हमारा ये चीजें होनी चाहिए तभी वो अप्रूव करेंगे बुक, इस तरह से कोई है इनकी रिस्ट्रिक्शन? यस बिल्कुल है, मैं आपको जो है वो क्लिक दिखा भी देता हूँ। जो है गूगल पे जाके लिखना है अमेजोन बुक कवर टेम्पलेट। सो बेसिकली अमेजोन ने बकायदा तौर पर जो है वो एक वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ से जो है वो आपने कवर का साइज कैलकुलेट करना होता है। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो भी है, रिसेंटली मैंने बनाई थी, वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा, बेसिकली इसमें होता यह है कि आपने जो है वो इनिशियली साइज चूज करना होता है कि आपकी जो बुक की जो बुक का जो साइज है, फॉर्मेटिंग का साइज है, वही साइज कवर का भी होना चाहिए, ठीक है। अगर बुक 6x9 इंचज के अंदर है तो कवर भी जो है वो 6x9 इंचज के अंदर ही होना चाहिए। लोड होने में टाइम लग रहा है, तो इसमें बेसिकली होता ही है कि आपने नंबर ऑफ पेजेस भी डालने होते हैं, साइज भी डालना होता है, और फिर फॉर्मेट्स भी होते हैं डिफरेंट, तो उनको देख के जो है वो आपने डालना होता है। बिल्कुल कंडीशन है साइज रिलेटेड, इंटरनेट स्लो है, इंटरनेट स्लो है। हां यस, अगर किसी का भी क्वेश्चन है तो वो काम कर सकते हैं, या तो अपना माइक अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। यस यस हसन भाई, मेरा एक सवाल था, अच्छा हम अगर किंडल पे मेरा अकाउंट है तो मैं चाहता हूँ ACS ऑडियो बुक पे काम करना, तो क्या मुझे एक्सेस है या अलग से ACS को यानी एक्सेस करना पड़ेगा? जो है वो आप ई बुक अपलोड कर सकते हैं, एक आप प्रिंट बुक अपलोड कर सकते हैं एज पेपरबैक, और एक होती है हार्ड बुक, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं, जो KDP का अकाउंट है, ACX के लिए सेपरेट अकाउंट होता है उनका। मेरा ख्याल है ACS जो पाकिस्तान से एक्सेसिबल है, आर यू श्योर? मैंने ट्राई किया था मगर पाकिस्तान वो एक्सेप्ट नहीं करते, बनने से रिलेटेड मुझे नहीं पता, लेकिन ACX का पर्टिकुलर ACX पे नॉर्मली जो है अमेज़न किंडल का अकाउंट बन जाता है पाकिस्तान से भी, लेकिन ACX के ऊपर मेरे क्लाइंट्स के लिए जरूर काम किया हुआ है और वो एक्सेसिबल भी है उनके अकाउंट्स के यूजर नेम और पासवर्ड। अच्छा एहसान, मुझे ये बताएं क्योंकि यहाँ पे शुमाइला है मेरे साथ एज ए कंटेंट राइटर काम करती रही हैं, एक दो और हैं जो भी कंटेंट राइटर मेरे साथ काम करते रहे, तो मुझे ये बताएं कि कंटेंट राइटर्स जो हैं वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं स्पेसिफिकली अगर अमेज़न किंडल को देखा जाए। जबरदस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो बेसिकली कंटेंट राइटर ना नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, उनकी जो गिग्स होती हैं वो कह रही होती हैं कंटेंट राइटिंग या इस तरह की बातें उनकी गिग्स कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन वो पर्टिकुलरली जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ऑन किया था, क्योंकि हर जितने भी कंटेंट राइटर्स हैं वो सर्विसेज दे रहे होते हैं और वो सबका जो कीवर्ड है वो सेम होता है, तो हम क्या कीवर्ड्स, लेट्स सपोज हम क्या कीवर्ड यूज कर सकते हैं फाइवर में अकॉर्डिंग टू द अमेज़न में, उनकी गिग जो है वो ज्यादा अच्छी है?
जैसे फॉर एग्जांपल लाइक कुक बुक राइटिंग की सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरी कुक बुक राइटर से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने मुझे बेसिकली बोला ये था, मैंने उनसे क्वेश्चन ये किया था कि आप कुक बुक राइटिंग करती हैं तो प्लेजरिज्म वगैरह तो नहीं आती, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि भाई आप कुक आपको रेसिपी याद होती है, जैसे बात आप इंटरनेट से आइडिया लेते होंगे सब कुछ करते होंगे, तो उन्होंने बेसिकली क्या बोला था कि वो इंटरनेट से आइडिया लेती हैं फिर वो अपने वर्ड्स में लिखती हैं और फिर वो ये करती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो 6 लोगों की सर्विंग है तो उसको जो है वो इंग्रेडिएंट्स को डबल करके ना हाफ करके 3 लोगों की सर्विंग, तो आप लोग डिफरेंट ट्रिक्स कर सकते हैं और स्पेशली अपने आप को थोड़ा सा कॉन्टेंट राइटर यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए या थोड़ा सा लो कम्पिटिशन में जाने के लिए आप बुक की सर्विस दे सकते हैं या पर्टिकुलर जनरा लगा सकते हैं जैसे पोइट्री लगा सकते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ। इसके अलावा कंटेंट राइटिंग की और बहुत सारी सर्विसेज हैं, मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग आप देख सकते हैं कि रेसिपी बुक से रिलेटेड जो है वो आपको बहुत सारी सर्विसेज नजर आएंगी और कंपटीशन भी इतना ज़्यादा नहीं है, 600-700 का है। सो जो कंटेंट राइटर्स हैं वो रेसिपी बुक टाइप की इस तरह की सर्विसेज दे सकते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के साथ कोई स्पेसिफिक रेसिपी का नाम लिख के भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट कीवर्ड्स हैं रेसिपी बुक का नाम कुक करने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करके कर सकते हैं। इसके अलावा कंटेंट राइटर जो है वो बुक डिस्क्रिप्शन राइट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम लोग जो बुक अमेज़न के ऊपर अपलोड करते हैं तो बुक डिस्क्रिप्शन की सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। सो छोटी सी जो है वो आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, यहाँ पे आप देखें। सो बेसिकली ये SEO ऑप्टिमाइज जो है वो बुक डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखती हैं, तो ये काफ़ी सारी सर्विसेज हैं टॉप रेटेड है, ठीक है। सो आप जो है वो बुक डिस्क्रिप्शन राइटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ स्पेसिफिक टाइप की बुक लिख के कॉन्टेंट राइटिंग के साथ वो करके ये सर्विस भी दे सकते हैं एज कॉन्टेंट राइटर। Right. एक क्वेश्चन है, हाउ टू डिजाइन कंसिस्टेंट पिक्चर्स फॉर किड्स पिक्चर्स बुक एज एंड रेंज 2 to 5, हाउ वी डिजाइन बुक कवर्स एंड इलस्ट्रेशंस अकॉर्डिंग टू डायलॉग टू मेड जर्नी। अच्छा, नॉर्मली मैंने अभी तक मेड जर्नी को ट्राई नहीं किया, ठीक है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें इस तरह का ऑर्डर भी आता है तो हम लोग उसको या तो आउटसोर्स करते हैं और वो इलस्ट्रेटर के थ्रू ही जो है वो इसको जो है वो हम लोग डील कर रहे हैं करेंटली, कि हमारे पास जो क्लाइंट जो कंटेंट देता है उसको प्रॉपरली जो है वो जो फर्स्ट टाइटल पे यूज़ की है वही सेकंड पेज थर्ड पेज फोर्थ पेज एंड वही बैकग्राउंड एंड सब कुछ है। तो मिड जर्नी अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने करना था लेकिन टाइम नहीं मिला। अच्छा, मिड जर्नी का किसी को अगर एक्सपीरियंस है तो बता दे। नहीं है शायद, किसी ने भी नहीं। एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी आसान सा, बगैर आप आंसर कर सकते हैं। बेसिकली अभी आपने एकेडमिया से रिलेटेड कहा था कि हम उससे रिलेटेड भी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं, तो एक तो उसको इलैबोरेट कर दें। दूसरा, अभी मैं खुद भी साथ कुछ चीज़ें देख रही थी रिसर्च के हवाले से, एक मुझे पता है कि आई विल रिसर्च अ प्रॉफिटेबल निश फॉर किंडल ईबुक, सो उसके हवाले से अगर आप कुछ गाइडेंस दे सकें कि ये इसमें किस तरह की सर्विसेज, क्योंकि मैं खुद भी एक रिसर्चर हूँ तो और एकेडमिया से मेरा ताल्लुक है, तो इस तरह की सर्विसेज को हम कैसे जो है वो दे सकते हैं। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखें, एकेडमिया की जो सर्विसेज है वो फाइवर अलाउ नहीं करता। अगर तो आप ये सर्विस देंगे कि हम लोग जो है वो असाइनमेंट क्रिएट करेंगे C++ की, या हम लोग असाइनमेंट देंगे अकाउंटिंग की, या हम लोग असाइनमेंट देंगे मैथ की, तो फाइवर में भी ऐसा हो, मे बी आप लेवल 1 सेलर बन जाए, लेवल 2 सेलर बन जाए उसे, लेकिन किसी वक्त भी फाइवर को ये पता चल गया कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो एकेडमिया से रिलेटेड है तो फाइवर जो है वो ब्लॉक कर देगा। सो एकेडमिया से रिलेटेड तो आपको भी सर्विस नहीं दे सकते, ठीक है। मैंने जो सर्विस बातचीत की थी वो थी नोटबुक डिज़ाइन से रिलेटेड और इस तरह की सर्विस से रिलेटेड थी, ठीक है, तो वो एकेडमिया से रिलेटेड नहीं थी। सेकंड, जो आपका क्वेश्चन है कि रिसर्च से रिलेटेड प्रॉफिटेबल नीच रिसर्च से रिलेटेड, सो प्रॉफिटेबल नीच से रिलेटेड मल्टीपल लोग जो सर्विसेज दे रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा सा स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप ना डिफरेंट लोग जो ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं उनकी डिस्क्रिप्शन रीड करें गिग की, और उसके बाद देखें कि वो कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं और किस टूल के थ्रू जो है वो उस नीच के अंदर कि उसमें कितना कंपटीशन है और डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। सो इस तरह से आपको जो है वो प्रॉपर बेसिकली आपने क्लाइंट को एक प्रॉपर रिसर्च करके देनी होती है कि अगर आप इस टॉपिक के ऊपर बुक लिखवाएंगे, ठीक है, तो चांस ये है कि आपके पास जो है वो सेल ज़्यादा है, और वो उसकी फिर डिफरेंट वेज हैं कि जिससे जो है आप क्लाइंट को मतलब नंबर्स में बताते हैं कि सेल्स इतनी आएगी। ऑलराइट,
सही सही मुझे आवाज नहीं आ रही जी, आपको ही नहीं आ रही आप ट्रैवल करें अच्छा अब हमने कवर किया है कि अगर कोई वॉइस ओवर आर्टिस्ट है तो वो ACX के ऊपर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है तो वो डिजाइन की सर्विसेज दे सकते हैं या Amazon Kindle लेकिन अगर कोई कंटेंट राइटर है तो उसमें हमने सिर्फ वही एक थोड़ा सा ही सेक्शन कवर किया तो एहसान या जवेरिया जो भी इसको कवर करना चाहते हैं मेरे ख्याल में कंटेंट राइटर्स के लिए थोड़ा अगर हम एक्सप्लेन कर दें इससे ज्यादा मैं साथ क्वेश्चन के साथ ही स्पेसिफाइड करना चाहूंगी आसान के लिए कि कंटेंट राइटिंग के साथ हम मार्केटिंग के हवाले से क्या सर्विस दे सकते हैं अगर वो आप जो है कुछ थोड़ा डिस्क्राइब कर दें कि SEO रिलेटेड या मार्केटिंग रिलेटेड कोई सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकें क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक अलग से पूरा एक साइट आ जाती है Amazon Kindle पब्लिशिंग की अच्छा देखिए बेसिकली बुक मार्केटिंग के ऊपर ना आप बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं ऑथर्स क्या करते हैं ऑथर्स ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने ई बुक लिखी ठीक है ई बुक लिखने के बाद ना एट दी एंड पेज के ऊपर वो बेसिकली एक लीड पेज डाल देती है ठीक है और उसके ऊपर बोलते ही है कि हमारे पास ना ये अगर आप फ्रीली एक्सेस करना चाह रहे हैं ये पांच बुक्स पांच पेजेस की कोई बुक है छोटी सी ठीक है किसी और मतलब ए टॉपिक के ऊपर उन्होंने बुक लिखी हुई है बी टॉपिक के बारे में जो है वो अगर आप लोग इस बुक को फ्रीली एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आपको उसको सब्सक्राइब करना होगा तो उस दौरान जो है वो ई मेल ले लेते हैं उसकी ठीक है ई मेल लेने के बाद जो है वो फिर जो है वो ईमेल के टाइम जो है वो बेसिकली जब वो नई बुक पब्लिश करते हैं तो वो उस ईमेल के ऊपर जो है वो उस ईमेल के ऊपर मैसेज करते हैं देन इस तरह की चीज़ जो है वो लोग करते हैं सेकंड चीज़ ये कि बेसिकली किंडल बेसिकली ये अलाउ करता है ई बुक के लिए कि आप जो है वो अपनी बुक को तीन दिन के लिए पाँच दिन के लिए सात दिन के लिए आप फ्रीली सेट कर सकते हैं यानी कुछ दिन के लिए अपनी बुक को फ्री सेट कर सकते हैं जैसे कि उम्र को पता होगा कि जैसे ये यूडमी के कोर्सेज वगैरह फ्री सेट करते हैं ठीक है सो इसी तरह कुछ दिन के लिए तो आप जो है वो इसी तरह से आप लोग जो है वो किंडल के अंदर कुछ दिन के लिए बुक फ्रीली सेट कर लेते हैं और उसके बाद आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या डिफरेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं ठीक है ट्विटर के भी हैं लिंक्डइन के भी हैं मल्टीपल्स हैं सो आप वहाँ पर जाके और इस तरह की बहुत सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स भी हैं जहाँ पे आप ये बेसिकली तीन चार दिन पहले ही अपनी वहाँ पे लिख देते हैं कि हमारी बुक फ्रीली अवेलेबल है कोई बंदा अवेल करना चाह रहा है तो अवेल कर सकता है सो इस तरह की चीज़ जो है वो की जा सकती है इसके अलावा अमेज़ॉन का अपना सेक्शन भी है अमेज़ॉन किंडल का जो कि एड्स को डील कर मार्केटिंग का टैब होता है बेसिकली होते हैं तो वहाँ पर मार्केटिंग का पूरा टैब होता है जहाँ पर आप जो है वो पेड प्रमोशन भी कर सकते हैं अच्छा प्राइसिंग के हवाले से भी बात कर लेते हैं मुझे ये बताएं कि लेट्स सपोज अगर मैं ACX की सर्विसेज दे रहा हूँ बुक कवर डिजाइन की सर्विसेज दे रहा हूँ या फिर मैं लोगों की सर्विसेज दे रहा हूँ तो प्राइसिंग हमने किस तरह से सेट करनी है स्पेसिफिकली हम Amazon Kindle के ऊपर बात कर रहे हैं या फिर अगर कोई कॉन्टेंट राइटर जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो इस तरह से अपनी प्राइसिंग जो है वो डिसाइड करे कि प्राइस मैंने क्या रखनी है अपनी गेट की या कौन से पैकेजेस रखते हैं अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है देखिए डिफरेंट तरह की काम है उसमें भी डिफरेंट प्राइसिंग होगी ठीक है अगर फॉर एग्जांपल कोई कवर है ठीक है अगर आप वो कैनवा से डिज़ाइन करेंगे तो मे बी आप $10 $15 $20 के तक ही जा सकें ठीक है लेकिन अगर वही कवर आप इलस्ट्रेटर या किसी दूसरे टूल से बनाएंगे तो फिर आप जो है वो प्राइसेस में मे बी स्टार्टिंग पैकेज ही आपका $60 हो या $50 हो तो ये डिपेंड करता है कि आपने और प्राइसिंग आपको पता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी डिपेंड करती है ऐसा नहीं है कि प्राइसिंग एक ऐसा फैक्टर है जो डिपेंड ये करता है कि जब आप डील कर रहे होते हैं क्लाइंट के साथ और क्लाइंट को आपने कितना कन्विंस कर दिया उसकी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड कि आपके पास उसका सोल्यूशन है सो अगर तो आपके पास अच्छा स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है और जब जैसे क्लाइंट आया है तो आप उसको जब अपने डिज़ाइन वगैरह शो करते हैं तो आप उसको इंगेज कर सकते हैं प्राइसिंग के ऊपर सो प्राइसिंग काफ़ी जो है ना मतलब ऐसा फैक्टर है जो कि डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी और आपकी जो आपके नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ के ऊपर भी अगेन एक डिपेंड करता है कि अगर आप बड़े सेलर्स हैं तो अगर आपकी प्राइस ज़्यादा भी है तो देयर इज़ अ चांस कि क्लाइंट आपको ऑर्डर दे जाए क्योंकि
क्लाइंट को पता है कि आपके पास रिव्यूज़ ही बहुत ज़्यादा हैं या आप टॉप रेटेड हैं या लेवल टू हैं, सो ये चीज़ है। बाकी प्राइसिंग डिटरमाइन कैसे करते हैं यार, देखो डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल एक अगर बुक फॉर्मेटिंग है तो मे बी आप नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर रख सकते हैं, बुक डिज़ाइन है तो आप मे बी नंबर ऑफ बुक डिज़ाइन के नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर रख सकते हैं, कंटेंट राइटिंग है तो नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर रख सकते हैं, बुक फॉर्मेटिंग के अंदर भी आप नंबर ऑफ वर्ड्स के ऊपर कर सकते हैं। सो डिपेंड करता है कि आप जो है वो क्या चीज़ है। और अगेन क्योंकि जो प्राइसिंग डिटेल से रिलेटेड है वो उसमें भी फिर आप फीचर्स डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक अगर आप बुक अपलोडिंग की बात करते हैं तो बुक अपलोडिंग के अंदर आप क्या करेंगे, आप क्या उसमें डिस्क्रिप्शन लिख के देंगे, क्या आप उसमें जो है वो कीवर्ड रिसर्च करके देंगे, क्या आप उसमें कैटेगरी की रिसर्च करके देंगे, क्या जब अपलोडिंग के टाइम जो एरर्स आएंगे चाहे वो कवर से रिलेटेड आएंगे चाहे वो बुक फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आएंगे, क्या वो आप उनको फिक्स करके देंगे या नहीं देंगे, क्या जो क्लाइंट प्राइस करेगा क्या आप उस प्राइस नहीं चाहिए, क्या आप दूसरे कंपेटिटर्स को स्टडी करने के बाद जो प्राइस आप सेट कर रहे हैं वो क्या सेट कर रहे हैं। सो प्राइसिंग एक ऐसी चीज़ है, डिपेंड करता है कि आपकी जो क्वालिटी या जो आपकी गिग है वो एग्जैक्टली दे क्या रही है। एक क्वेश्चन था यहाँ पे सामना मेरा कि देखिए ये तो हम उन सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना कि जिनमें कहीं ना कहीं कोई स्किल्स जो है वो पॉलिश स्किल्स यूज़ हो रही है, कोई अगर बिगनर्स इस तरह की स्किल्स लेके आते हैं जैसे सिर्फ बुक फॉर्मेट कन्वर्जन की बात करें, हम PDF से वो किंडल जो है वो कन्वर्जन कर रहे हैं ई-बुक, तो उस तरह की सर्विसेज में प्राइसिंग पे वो किस तरह से सेट करेंगे, क्योंकि इस तरह के भी सर्विसेज दी तो जाती हैं, इसके हवाले से आपका क्या ओपिनियन है? अच्छा नॉर्मली जो है वो आपने जो है वो बुक फॉर्मेटिंग ई बुक फॉर्मेटिंग या फॉर्मेट कन्वर्जन की आपने बात की। अच्छा इसमें ना डिफरेंट सेलर्स डिफरेंट वे से कर रहे होते हैं, कुछ ये कह रहे होते हैं कि हम लोग 50 पेजेस की अगर बुक है तो हम लोग $5 या $10 या $20 चार्ज करेंगे। अगेन ये उनके ऊपर पर्सनली डिपेंड कर रहा होता है क्या वो जस्ट फॉर्मेट करना है या साथ उन्होंने प्रूफ रीड भी करना है, तो अगेन ये भी चीज़ डिपेंड करती है। अगर तो फॉर्मेट कन्वर्जन करनी है तो फिर उन स्किल और प्लस डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ पेजेस उनकी गिग के अंदर क्या डाले हुए हैं। सो ये चीज़ है। फिर आप बेसिकली प्राइसिंग इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करती है कि जो ऑलरेडी सेलर्स हैं आप उनके ऊपर जाएं। आप फॉर एग्जांपल ई बुक फॉर्मेटिंग का टैग आपने डाला है, उसके बाद आप जो है वो डिफेंस सेलर्स को रिव्यू करें और उसमें वो क्या क्वान्टिटी दे रहे हैं, ठीक है, तो आप उसी तरह से जो है वो कुछ इंक्रीज़ करके कुछ प्राइस कम करके, अगर बड़े सेलर्स हैं तो आप थोड़ी सी प्राइस कम करके रख सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ की जा सकती है। अब अगर यहाँ पे नंबर ऑफ पेज काउंट 50 है $30 में ये लोग दे रहे हैं, फिर इसी तरह से जो है वो पेज काउंट 100 है, सो इस तरह से ठीक है। लेट्स सपोज हमने सर्विसेज दे दी ग्राफिक डिजाइनिंग में बुक कवर डिजाइन के लोगों की या फिर कुछ भी हमने सर्विसेज दे दी, वो ऑर्डर कंप्लीट भी हो गया, ठीक है, क्लाइंट ने अप्रूव भी कर दिया। अब मुझे ये बताएं वो अमेज़न के ऊपर जब वो पब्लिश करेंगे, क्योंकि पब्लिश तो आपने नहीं करते, उन्होंने पब्लिश, जब वो पब्लिश करेंगे और पब्लिश होने के बाद वहां से कोई रिवीजन आएगी तो फिर उसका क्या प्रोसेस होगा? फिर आप रिवीजन प्रोवाइड कर सकते हैं या करेंगे या नहीं करेंगे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में गाइड कर दें, या फिर अमेज़न जो है वो रिवीजन में भेजते ही नहीं है, आप जो भी सेंड करते हैं वो अप्रूव कर देते हैं वहां से, या फिर तब तक आपका ऑर्डर ही अप्रूव नहीं होता जब तक वहां से रिवीजन यानी कि ना नहीं आती। अच्छा पहली बात ये कि अमेज़न बिल्कुल जो है वो रिव्यू करता है और अमेज़न तकरीबन 72 आवर्स या फिर 48 आवर्स लेता है, कोई भी बुक लेता है उसके बाद प्रॉपर उसको रिव्यू करता है, उसका साइज़ को देखता है, उसका ISBN को देखता है, बारकोड को देखता है और मल्टीपल चीज़ों को जो है वो देखता है कि फॉर एग्जांपल लाइक डिफरेंट उम्र चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल लाइक एक चीज़ है आपने वर्ड में फॉर्मेटिंग कर दी है और आपने फॉन्ट ए यूज़ किया, ठीक है, और वो फॉन्ट एम्बेड वो डिफरेंट जगह पे ओपन हुआ तो वहाँ पे वो फॉन्ट ही नहीं था एंड उसकी वजह से कि सारी बुक खराब हो गई है, तो आप अमेज़न ये ज़रूर चेक करता है जैसे कि फॉन्ट एम्बेड होता है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो अमेज़न ये ज़रूर चेक करता है कि फॉर एग्जांपल ई बुक है तो उसमें टेबल ऑफ कंटेंट क्लिकेबल हो, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो अमेज़न ज़रूर चेक करता है। और आपका जो क्वेश्चन है रिव्यूज़ से रिलेटेड, और सेकंड जो आपका क्वेश्चन है रिव्यून से रिलेटेड ना, देखो यार आपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना होता है तो उस चीज़ के लिए आपको जो है वो रिव्यून वगैरह देनी पड़ती है। डिपेंड करता है अगेन क्लाइंट्स के साथ भी, आप एक्स्ट्रा प्राइस भी कर सकते हैं अगर तो वो चीज़ आपके स्कोप में नहीं थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइक आपने जस्ट अपलोड किया है और आपके स्कोप में नहीं था फॉर्मेट करना और फॉर्मेट की वजह से एरर आया है या कवर की वजह से एरर आया है तो आप उसको चार्ज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है अगेन उस सिचुएशन में आप क्लाइंट का, आपने लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना होता है तो नॉर्मली मैं तो कर देता हूं कि नेक्स्ट टाइम भी क्लाइंट ऑर्डर दे। राइट,
अच्छा, अगर क्लाइंट आपको कहे कि यार मैंने आपकी आपका जो ऑर्डर है वो अप्रूव ही नहीं करना डिलीवरी के बाद भी, जब तक वहां से अप्रूवल नहीं आता, तो उसका फिर वहां पे फिर क्या सीन बनता है? क्योंकि वहां से तो ये भी हो सकता है कि वो यानी कि 3 दिन 4 दिन 6 दिन लटका के रखें। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो फाइवर के ऊपर जैसे ही आप ऑर्डर डिलीवर करते हो ना, तो उसके बाद 72 आवर्स के अंदर ना फाइवर बेसिकली अगर सान आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, मेरी आवाज आपकी आवाज आ रही है, तो फिर आप क्या हो सकता है बाइक में कोई मसला हो? अच्छा बेसिकली बात यह है कि जैसे ही आप फाइवर के ऊपर ऑर्डर डिलीवर करते हैं ना, तो 72 आवर्स के बाद वो ऑर्डर अप्रूव हो जाता है। ऑलराइट, सही। आवाज आई थिंक मुझे आ रही है, कोई वेरीफाई करे जी? जी बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। तो मुझे बता सकते हैं मेरा इशू है इंटरनेट का या उनका है? आई थिंक एहसान आप कंटिन्यू करें, मैं उमर के साथ वो मैसेज कर देती हूँ कि उनके उसमें प्रॉब्लम इंटरनेट में शायद कोई। राइट, सही। यहाँ एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया था अभी कि जो आपने कहा कि ये ऑर्डर अप्रूवल और ये जो है रिव्यूइंग स्टेज पूरा प्रोसेस एक होता है जिसके अंदर किंडल जो है वो अमेजोन जो है वो रिव्यू करता है, तो इससे जो ऑफिसेज देने वाले हैं वो बेसिकली इस तरह की कोई गाइडेंस हासिल कर सकते हैं कहीं से अमेजोन के अपने प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ पूरी कंप्लीट गाइडेंस अवेलेबल हो, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ नॉन एक्सेप्टेबल है? ऐसा होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जो है वो बुक कवर का साइज़ है वो प्रॉपरली कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो जब आप पूरी अमेज़न ने बताया हुआ है कि आपने जो है राइट, और ये तो रिटन कंटेंट के लिए हमारे पास आएगी, अगर ऑडियो कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसके लिए भी कहीं कोई गाइडलाइंस अवेलेबल है? यस, उसमें होती है कि इसका नाम क्या, ऑडियो कवर के लिए भी होती है कि ऑडियो बुक का जो स्पेसिफिक है ये कवर साइज हो, उसका साइज होता है 2400 x 2400 pixels, और उसके बाद उसकी जो DPI का साइज होता है कि उसके जो का पिक्सेल की क्वांटिटी। जी, लेकिन वो तो मतलब कंटेंट व्यूइंग के हवाले से हो गया, जो खुद कोई वॉइस ओवर अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके हवाले से गाइडेंस में पूछ रही थी कि वो होती है या उसके लिए जो है कोई इस तरह का क्राइटेरिया कहीं मेंशन नहीं है? ऑलराइट, सही। इसके अलावा क्या है? और ऐसे जी उमर जी जी सुहैला का क्वेश्चन था और अब्दुल्ला का क्वेश्चन, तो मैं उसको कर सकते हैं।
अल साहब का जो आप अगर वो ज्वाइन करने मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई लिंक उसका पेस्ट कर दे चैट में, अगर आपको ज्वाइन करने, उन्होंने खुद बुक्स पब्लिश की है पाकिस्तान से और उसमें जो मेन इशू आ रहा था सबसे पहले सबको वो ओटीपी का इशू आ रहा था, अमेजोन के अकाउंट बनाने जिस टाइम बनाते हैं उस टाइम पे, तो वो आपने सिर्फ ये है उसमें टेक्निकल यही है कि आपने गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करना है और ओटीपी यूज़ नहीं करना और आपका वो अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आप खुद भी पब्लिश कर सकती हैं और वो फ्री होगा। अब उसकी जो सेल्स हैं वो किस तरह से होनी है, सेल्स का जो टॉपिक है वो कल वाले सेशन में शाहजेब कमाल साहब खुद ही कवर करेंगे, हमने आज सर्विसेज का कवर करना है। और इसके हवाले से एक पॉइंट मेंशन कर दूं, उमर, जो अभी हमने ये गूगल ऑथेंटिकेटर की बात की, इसके हवाले से एक पूरी गाइडलाइन वीडियो जो है वो जो है शाहजेब ने शेयर की थी, तो आप उसको भी व्यू कर सकती हैं अगर आपको ये इशू आ रहा है ओटीपी वाला, तो काइंडली उस पर रेफर करें, आप इजीली उसको एक्सेस कर लेंगे। ईद के बाद देखेंगे मोदी कौन, राइट, शाहजेब कमाल गूगल ऑथेंटिकेटर की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो उसकी बात कर रहे थे कि किस तरह से सेल्स होंगी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एहसान भाई किसी का, कि आप सर्विसेज अभी खुद दे रहे हैं और आपने कोई पब्लिश की है बुक्स, तो मेरे ख्याल में ये मैंने कल ही कवर कर लिया कि इन्होंने तो पब्लिश नहीं की शायद, क्योंकि एहसान भाई सिर्फ सर्विसेज ही दे रहे हैं, खुद पब्लिश नहीं कर रहे, लेकिन शाहजेब कमाल साहब का जो ग्रुप है उनमें वो उन्होंने पब्लिश भी किया और उनकी सेल्स भी आना स्टार्ट हो गई है, कुछ की सेल्स हुई है बुक्स की, तो आप भी इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, उन्होंने यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दिया, शुमाइला आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इस ग्रुप को। आई थिंक वकास चौधरी बात करना चाह रहे हैं, वकास चौधरी बात करना चाह रहे हैं, वकास भाई, वकास भाई जी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बस सेशन को जो है मैं तो अभी सुन रहा था क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था इसका, तो मैं बस ये कहना चाह रहा था कि अगर इसकी रिकॉर्डिंग कर लेते तो अगर कुछ मिस हो जाता तो ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा एहसान, आपसे क्वेश्चन है फिर से, मेरा तो नहीं, मेरा ही क्वेश्चन है। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा टूल जिस तरह डिफरेंट एसईओ सर्विसेज के लिए टूल्स होते हैं, इस तरह कोई टूल्स हैं जिससे हम अपनी बुक्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं या अपनी जॉब को इजी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू SEO, अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग, या फिर उसकी QA के लिए, यानी कि हमने बुक अपलोड की वहां पे दे दे कि जी आपकी मार्जिन का इशू है, इस तरह कोई AI टूल्स हैं अभी तक, या अभी तक कोई AI टूल्स आई नहीं है या आपने यूज नहीं की? अच्छा क्वेश्चन है यार उमर, देखो डिफरेंट तरह के टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल लाइक अमेज़न किंडल के ऊपर एक बुक का फॉर्मेट अपलोड होता है जो है EPUB, ठीक है, तो EPUB बेसिकली HTML वेबसाइट ओपन कर लें। अच्छा ये बेसिकली जो है वो EPUB वैलिडेटर है, बेसिकली ये वैलिडेट करके चेक कर लेता है कि आप किसी भी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जब अपलोड करते हैं स्टिल हुई है, आपकी स्क्रीन स्टिल है, आप मेरे ख्याल में स्टॉप करके फिर से वो अच्छा आप स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है, जी बिल्कुल हो रही है। अच्छा डिफरेंट तरह की चीजें हैं तो उसके लिए एक टूल है बेसिकली जो है सब नोट कर लें। ये जो है वो EPUB वैलिडेटर है। अच्छा ये टूल करता क्या है कि आप जो है यहाँ पे EPUB फाइल को अपलोड करते हैं और आप चेक करते हैं कि क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, तो ये मोस्टली जो है वो HTML के मेरे पास अगर पड़ी भी हुई तो देखना पड़ेगा,
है, तो आप जो है वो इसके ऊपर जो आप अपलोड करते हैं और अपलोडिंग के अगेंस्ट जो है ये एरर बता देती है। नॉर्मली इस तरह के जो एरर्स हैं वो बेसिकली बहुत सारे और भी पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। बेसिकली जो मैं बातचीत भी करना चाह रहा हूँ कि जस्ट आप अमेजोन किंडल के ऊपर नहीं अपलोड कर सकते या अमेजोन किंडल की सर्विस नहीं दे सकते, बल्कि आप दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि दुनिया में वाकई दूसरे भी फेमस है, जैसे इनकम स्पार्क है, लुलू है, एप्पल है, ठीक है, तो इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी जो है वो आप सर्विस दे सकते हैं। सो बेसिकली बिफोर आप जो है, जैसे हम लोग एज फ्रीलांसर क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि बुक क्लाइंट को डिलीवर करने से पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं, या फिर हम लोग ये करते हैं कि अपना जो अमेजोन का अकाउंट होता है उसके ऊपर डाल के चेक कर लेते हैं कि क्या कोई साइज शाइज का या कोई इशू तो नहीं है, क्योंकि जरिए से बात है सम टाइम क्लाइंट बहुत गुस्सा हो जाता है कि यार, ठीक है, सो उसको अपडेट करने के लिए हम लोग चीज़ों को पहले से खुद से देख लेते हैं। तो एक तो हम लोग अमेजोन के ऊपर डाल के हम लोग जरिए से बात है पब्लिश तो नहीं करते, लेकिन हम लोग जस्ट चेक करने के लिए जो है वो डाल देते हैं, या फिर हम लोग उस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के ऊपर क्विकली अकाउंट क्रिएट करके, और हमारे ऑलमोस्ट हर तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट्स वगैरह बने हुए हैं तो वहाँ पर डाल के चेक कर लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अदर बहुत सारे टूल्स हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग से चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टर्स की वेबसाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक मैं जस्ट एक वेबसाइट का नाम लेता हूँ, फॉर्मेटिंग करते हैं और इस वेबसाइट को देते हैं तो ये हमें जो है वो किंडल फॉर्मेट दे देता है, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल लाइक मेरे पास मैं इसको दूंगा सिंपली, उसके बाद मुझे फाइल फॉर्मेट चूज़ करना है, अच्छा ई बुक के अंदर चूज़ करना है और ई बुक में उन्हें कौन सा चूज़ करना है, और ये मुझे कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। सो इसमें कुछ इशू ज़रूर आएंगे कन्वर्जन के अंदर, क्योंकि 100% कन्वर्जन परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन फिर वो आपको मैनुअली किसी टूल्स के अंदर जाके उसको सेट करनी होगी, ठीक है। सो लेकिन आप ऑटोमेटिकली कन्वर्जन कर सकते हैं यूजिंग दिस टूल, ठीक है। अच्छा, अब आप एक वो लिंक भी शेयर कर दें जहाँ पे अमेज़न किंडल की यानी कि पर फॉर्मेटिंग में फॉन्ट कौन सा होगा, फॉन्ट साइज मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे कोई साइट में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे पास ऑडियंस बैठी हुई है तो मैंने वो कोई सर्विसेज जो है वो तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ अपनी बुक्स भी पब्लिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो ऑडियंस है वो शाहजेब के ग्रुप से आई है और शाहजेब के ग्रुप में सारे वो हैं जो कि अपनी बुक्स पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए वो इजी हो जाएगा कि ऐसी उन्होंने कैसे करनी है, फॉर्मेटिंग कैसी करनी है, उनके पास अगर कोई टूल्स होंगे, कोई रिसोर्सेज होंगे तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी अच्छा मैंने इसके ऊपर ना डिफरेंट तरह की वीडियोस भी बनाई हुई हैं, कल ही मैंने एक पेपर बैक फॉर्मेटिंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, वो मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दी थी उसी वक्त ही। इसके अलावा जो है वो आपके पास डिफरेंट साइज से रिलेटेड भी जो है वो ये जो भी ग्रुप में है फिर वो ग्रुप में अपने सेट कर देंगे। यस, मैं क्लिक कर दूंगा इस चीज को ना। बेसिकली ये कवर से रिलेटेड था कि आपने कवर का साइज कैसे कैलकुलेट करना है परफेक्टली ना, अमेज़न के स्टैंडर्ड के हिसाब से, कि आपने यहाँ पे पेज काउंट पर डालना होता है, साइज डालना होता है और मेजर इन चीज में है, तो उसके बाद ये जनरेट करके देगा आपको स्पेसिफिक टेम्पलेट और उस टेम्पलेट के अगेंस्ट ही आपका कवर होना चाहिए। और ये इस तरह के जो जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स करते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक अगर इनकम स्पार्क है तो इनकम स्पार्क भी जो है वो ये चीज़ बकायदा उसका भी आप टेम्पलेट, ठीक है। और फॉर्मेटिंग वर्ड में करते हैं सिंपल, यार हम लोग ना डिफरेंट टूल्स के अंदर करते हैं, अगर तो बहुत ज़्यादा लीड मैग्नेट टाइप की बुक्स भी होती हैं, लीड मैग्नेट या फॉर एग्जांपल लाइक मैगजीन टाइप या उस तरह की आ जा, या फिर प्रॉपरली डिजाइन फुल वर्ड के अंदर नॉर्मली तो हम लोग जस्ट और इस तरह की चीज़ें तो कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉपर एक होता है ना डिज़ाइन करना, तो उसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें करते हैं, कुछ हम लोग इन डिज़ाइन से भी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ हम लोग जो है वो कैनवा के अंदर बुक जो डिज़ाइन हुई होती हैं उसको भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, और नॉर्मली वर्ड के अंदर कर लेते हैं, और या फिर डिपेंड करता है कि हम लोग फिर और बहुत सारे टूल्स हैं ई बुक्स के टूल्स हैं, ठीक है, तो ई बुक के टूल्स के अंदर जो है वो एक सीजल है, ओपन सोर्स टूल है, ये बेसिकली ई बुक बनाने के लिए फॉर्मेट बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। फिर इस तरह से किंडल क्रिएट है, ठीक है, मेरे पास किंडल क्रिएट आते हैं, सो इस तरह के डिफरेंट टूल्स हैं, एक टूल है किंडल क्रिएट, ठीक है।
बेसिकली ये किंडल प्योर 3 ये टूल है कि आपने जो जैसे किंडल डिवाइस के अंदर वो चीज़ दिखेगी ना, वैसे ही आपको किंडल प्योर 3 पे आप अपने डेस्कटॉप पे देख लेंगे चीज़ को। तो बजाय कि आप जैसे आपने क्वेश्चन किया ना कि वहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर वो चीज़ डिफरेंट होगी, तो आपके जो आप फोटो करेंगे तो वो डिफरेंट होगी, तो आप उसको चीज़ को देखना कैसे चाह रहे हैं। वो जैसे ही आपने फॉर्मेटिंग किया तो है ना किंडल प्योर 3 एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें अपलोड करके देख सकते हैं कि आपकी बुक दिखाई और क्या इसमें वेरिएबल कंटेंट वगैरह के बारे में, इसका भी लिंक मैं शेयर करूंगा। इस तरह से होता है, तो इसमें जो है वो आप अपलोड करते हैं तो ये आपको एक मोबाइल की शेप के अंदर दिख नजर आ जाती है, फिर आप उसको डिफरेंट डिवाइसेस पे भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने जो डिफरेंट क्वेश्चंस देखे हैं वो इसी रिलेटेड थे, मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा था कि Amazon जो फायर है वो कोई प्लेटफॉर्म, आई डोंट नो Kindle Fire or something like this, उसके ऊपर काफी ज्यादा इशू आ रहा था प्रीव्यू का, जबकि मोबाइल और iOS की डिवाइसेस, Android की डिवाइसेस पे बिल्कुल वो ठीक आ रहा होता है, तो वो यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं। तो ये टूल है उसके लिए Kindle प्रीव्यू, राइट, इसका लिंक भी डाल दीजिएगा। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 7 से 8 मिनट है, कॉल पे ड्रॉप हो जाएगी, इन्होंने भी लिमिटेशन लगा दी है। तो मुझे ये बताएं एहसान, लास्ट क्वेश्चन, कि कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करनी चाहिए व्हाइल गिविंग सर्विसेज, Amazon Kindle सर्विसेज, या फिर हम अवॉइड करें, यानी कि अगर हम खुद भी पब्लिश कर रहे हैं बुक, सबसे पहली बात यह कि अगर तो आप सर्विस दे रहे हैं फाइवर के ऊपर, तो फाइवर की जो गाइडलाइंस हैं वो उसको तो ज़रूर जो है वो आपने मीट करना है, जिसके अंदर कि आपने डायरेक्टली क्लाइंट के साथ डायरेक्ट नहीं हो जाना, पेमेंट मेथड से रिलेटेड जैसे ही आप पे का वर्ड या ऐसा के जो भी वर्ड्स डालते हैं फाइवर जो है वो आप, तो फाइवर को पता चल जाता है और ब्लॉक कर सकते हैं। सो एक तो ये चीज़ के जो फाइवर की गाइडलाइन है, फाइवर की टर्म्स एंड कंडीशन हैं, ठीक है, वो खुली सारी हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है, कि आपने क्लाइंट को जो है वो लाइक क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है, एम्प्टी डिलीवर नहीं करना ऑर्डर, और इस तरह की जितनी सारी बातें हैं, ठीक है, फाइवर फोन को लंबा करना है। सेकंड चीज़ के आपने ऐसा नहीं करना कि इंटरनेट से कोई चीज़ उठाई और वैसी सेम चीज़ नहीं जो है वो अपलोड कर देनी, अगर तो वो सब चीज़ अपलोड करेंगे तो क्या इशू होगा, तो कोशिश करें कि उसको रीफेस करना और प्लेजरिज्म रिमूवल, या नॉर्मली हेलो सारा खान, ये अकाउंट है यार, म्यूट करें, म्यूट कर देते हैं, म्यूट कर देते हैं। आजम साहब ने हैंड रेज किया है, आजम साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा एक सवाल शाम से, जी जी प्लीज, क्या साउंड मेरे को हियरिंग नहीं? अच्छा, जैसे हम किंडल से बुक पब्लिश कर दी है या कोबो पे हमने कर दी है, तो एट जस्ट टाइम हम बुक के ऑप्शन पब्लिश कर सकते हैं या वो उनकी पॉलिसी के खिलाफ होगा? ऐसा होता है कि आप ना पब्लिश करने से पहले आप ISBN वगैरह ले लेते हैं, ठीक है, तो ISBN के थ्रू जो है ना आपके पास कॉपीराइट आ जाता है, तो आप नॉर्मली ऐसा देखते हैं, सो ऐसा नहीं होता है, वो जस्ट Amazon के ऊपर अपलोड कर देते हैं, सेम जो है वो किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी अपलोड कर रहे होते हैं, और इवन के ऐसे प्लेटफॉर्म भी जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जहाँ पे आप एक पे अपलोड करते हैं सब पे वो खुद अपलोड हो जाती है, ठीक है। सो बेसिकली ये 6-7 प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपलोड करते हो तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो खुद ही पब्लिश कर देता है। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा था यहाँ पे एहसान, जैसे आपने फाइवर की बात की, तो हम बाकी किस किस प्लेटफॉर्म पे ये वाली सर्विसेज सेल कर सकते हैं, नेटवर्क पे इसकी मार्केट है या किसी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप उसके हवाले से देख कर गाइड कर दें। अच्छा क्वेश्चन है, बेसिकली मेरे सामने खुला भी है अपवर्क, और अपवर्क के ऊपर भी आप सर्विस सेल कर सकते हैं, सेम जो है वो आपने सिंपली अपवर्क को लॉगिन करने के बाद है वो आपके ऊपर, यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म खुला हुआ है, दिखा देता हूँ। बिफोर मतलब कोई भी सर्विस देने से पहले आपने जो है वो गूगल पे ये लिख लेना है कि ई बुक फॉर्मेटिंग अपवर्क या ई बुक फॉर्मेटिंग फाइवर, सो आपको जो है वो कंपेटिटर्स नज़र आ जाएंगे, जब आपको कंपेटिटर नज़र आ जाएंगे तो आप जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोफाइल्स को जो है वो सेटअप कर लेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिफरेंट सेलर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये सेलर है तो ये यही सर्विस दे रहा है बुक लेआउट डिज़ाइन की, सेल्फ पब्लिशिंग से रिलेटेड, और यही यार हमें तो ऑर्डर नहीं मिला यार,
ऐसा ना कोई नहीं है एहसान जो आथर नेम है वो इंग्लिश मैन का रखें या अपना कोई रख सकते हैं आथर नेम आप कुछ भी रख सकते हैं लाइक इवन आप अपनी कंपनी का भी रख सकते हैं कुछ मोस्टली इफेक्टेबल कौन सा होगा मोस्टली इफेक्टेबल हिसाब से इंग्लिश नेम रख मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो अपने सेल्फ नाम से भी जो है वो इस चीज़ को रखते हैं अगेन ये डिपेंड करता है आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी या इस तरह की चीज़ के ऊपर भी होता है एंड डिपेंड आप ऑथर नेम के साथ आप ऑथर पेज वगैरह भी बना सकते हैं ओके हमारे पास बस लास्ट 3 मिनट है तो आई गेस अगर किसी का कोई मुख्तसर सा क्वेश्चन है तो कर लें अदरवाइज हम सेशन वाइंड अप करने की तरफ आई गेस जाएंगे तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज ओके मेरे ख्याल में हमारे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट है किसी का क्वेश्चन है कैसे अपडेट कर सकते हैं अच्छा ये फाइवर या फाइवर के से रिलेटेड नहीं था ये सेशन और मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई फाइवर एक्सपर्ट भी नहीं है तो कैसे डी रैंक वैसे चलो राइट अच्छा देखो अगर फाइवर के ऊपर जो है कोई भी गिग जो है वो दोस्त का भी क्वेश्चन है अब तो लाजमी करना पड़ेगा अच्छा है तो बेसिकली फाइवर एक तो कुछ डेज के बाद फाइवर ऑटोमेटिकली जो है वो आपकी गिग को दोबारा से रैंक कर देगा तो कोशिश करें कि वो एडिट ही ना करें ठीक है सो उसके कुछ स्पेसिफिक डेज हैं और फाइवर गिग डी रैंक भी इसलिए करता है कि आपका जो ऑर्डर कैंसिल हुआ हुआ है या फिर जो है वो आप ने ऑर्डर लेट डिलीवर किया या इस तरह की कुछ सिचुएशन है तो अगर तो इस तरह की सिचुएशन है मतलब अगर आपके कुछ ही डेज रह गए हैं ऑर्डर कंप्लीटेशन से रिलेटेड 100% होने के लिए एवरी 60 डेज के बाद ना फाइवर 100% कर देता है सो लिटल बिट फिर वेट कर दें अगर तो नहीं कर रहा तो फिर आप नई गिग्स वगैरह भी लगा सकते हैं स्ट्रेटजी मतलब ताकि उनके ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो है वो ऑर्डर्स आ जाए ये डिपेंड करता है कि इसका नाम क्या है अगर तो गिग आपकी रैंक है ऑलरेडी तो आपने दोबारा से क्यों एडिट करना है ठीक है तो अगर तो रैंक है तो फिर मे बी उसकी पोजीशन ही हिल जाए ठीक है वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर चली जाए और अगर नहीं रैंक है तो फिर जो है वो आप इसको कर सकते हैं कि आप गिग्स को जो है वो डिफरेंट अदर सेलर्स की जिन सेलर्स की गिग्स रैंक है ऑलरेडी तो उनके टाइटल्स वगैरह देख के या डिस्क्रिप्शन देख के या उनकी इमेजेस को देख के कुछ लिटल मॉडिफाई करके जो है वो आप ठीक है आई थिंक कॉल ड्रॉप होने लगी है उमेर का लास्ट क्वेश्चन है आप एक अकाउंट आप एक पीसी से एक ब्राउजर से आप 10 अकाउंट भी चला सकते हैं सिर्फ नीच डिफरेंट होनी चाहिए फाइवर के लिए तो उमेर कोई इशू नहीं होगा और कॉल ड्रॉप होने लगी है मेरे ख्याल में थैंक यू सो मच एहसान इट वॉज वंडरफुल आई थिंक हमने बहुत सारा कुछ कर लिया होगा और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं Thank you so much, Tarisan. Thank you so much, Tarisan.